press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपके घर में मार्बल या ग्रेनाइट या इटालियन लगा हुआ है तो उसकी चमक डल पड़ने पे आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि हम आपको समझाएंगे कि आपके अगर मार्बल या ग्रेनाइट लगा हुआ है तो उसकी जो चमक डल पड़ चुकी है उसको दोबारा से कैसे लाया जाएगा। दोस्तों, आप जो हमारे पास में ये डब्बा देख रहे हैं इसके अंदर है साइनर, और ये जो साइनर है ये टिनेक्स का साइनर है। तो दोस्तों, आप कोई भी साइनर यूज में ले सकते हैं। तो आपके घर के अंदर जो मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है या इटालियन, जो भी आपके घर के अंदर पत्थर लगा हुआ है, और आपको उस आपके घर में जो पत्थर लगा हुआ है उसके अंदर आपको चमक थोड़ी डल नज़र आ रही है, आपको अगर वाइटनेस नज़र आ रही है या लुखापन नज़र आ रहा है, तो आपको फिर आपके पत्थर के ऊपर आपको लगाना है साइनर। तो साइनर को कैसे लगाना है, तो साइनर लगाने से पहले आपको उसको पत्थर को बिल्कुल साफ़ करना है, शैम्पू से आपको उसको धोना है बिल्कुल, और साफ़ करने के बाद में फिर आपको लेना है सूती कपड़ा, और सूती कपड़ा लेके फिर आपको बिल्कुल हल्का हल्का नॉर्मली साइनर पत्थर के ऊपर लगाना है। दोस्तों, जैसे कि आपने अपने किचन के अंदर जैसे प्लेटफार्म के ऊपर आपने साइनर को लगाया, या आपने स्टेयरकेस के अंदर साइनर को लगाया, या आपने फ्लोरिंग के अंदर साइनर को लगाया, जहाँ कहीं पर भी आपने पत्थर के ऊपर जो साइनर को लगाया है, तो आपको 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद में फिर आपको साइनर को साफ़ करना है। अब साफ़ आपको कैसे करना है, अब दोस्तों जो आप हमारे हाथ के अंदर ये पैड देख रहे हैं इसको बोलते हैं वुल वफिंग पैड। तो हमारे पास में ये वुल वफिंग पैड है, तो इसको हम लगाएंगे ग्राइंडर के ऊपर, ये ग्राइंडर पर लगता है। तो इसको ग्राइंडर पे लगा के, और हमने जो ग्रेनाइट के ऊपर जो साइनर लगाया है इसके ऊपर हम करेंगे ग्रेनाइट पे बफिंग। तो दोस्तों, आपके जैसे घर में इटालियन मार्बल जो भी लगा हुआ है, अगर आप जैसे साइनर लगाएंगे तो आपको भी फिर वुल बफिंग पैड से आपको ग्रेनाइट इटालियन पे बफिंग करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ग्रेनाइट के ऊपर जो साइनर लगाया था, तो इसके ऊपर जो हम ग्राइंडर से पैड चला रहे हैं दोस्तों, तो ग्रेनाइट की जो चमक है बिल्कुल ओरिजिनल चमक आ चुकी है। तो बस आपको ही इसी प्रकार से साइनर को लगाना है और फिर आपको बफिंग करनी है। अब दोस्तों, जैसे कि अगर आपको साइनर लेना हो या आपको वुल बफिंग पैड लेना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमसे इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको जो साइनर देंगे। दोस्तों, हमारे पास में काफ़ी अलग अलग कंपनी के साइनर हैं, सब अच्छे अच्छे साइनर हैं। तो आप हमसे साइनर खरीद सकते हैं, वुल वफिंग पैड खरीद सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क करें, संपर्क के लिए मैं वीडियो के नीचे अपना नंबर दे दूंगा, तो आप हमें उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी दोस्तों, जैसे कि अगर आपको पॉलिश की कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको पॉलिश की जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ में घंटे के निशान को भी दबाएं। और वीडियो आपको दोस्तों आज का पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ।